आज मैं आपको जो है मल्टीमीटर का यूज़ करना बताऊंगा कि मल्टीमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज के लिए। तो ये वाला जो साइन देख रहे हो इस तरीके का यहाँ पे, जिस पे वी और इस तरीके से डॉट डॉट बने हुए हैं, ये होता है हमारा डीसी वोल्टेज का साइन। इससे हम डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। और जो ये वाला साइन देख रहे हो वी और इस तरीके से जो निशान है, ये होता है हमारा एसी वोल्टेज का साइन। इससे हम एसी वोल्टेज को चेक करते हैं। इधर देख रहे हो ये ए लिखा है और इस तरीके का साइन है, ये डीसी एम्पियर का साइन है। इससे हम डीसी एम्पियर को चेक किया जाता है। ठीक है, इधर आओगे तो ये जो मेरा देख रहे हो ये मेरा रेजिस्टेंस के लिए है। इससे मैं रेजिस्टेंस को जानूंगा कि रेजिस्टेंस मेरा कितनी वैल्यू का लगा हुआ है, या ओम का लगा हुआ है, किलो का लगा हुआ है, या मेगा का लगा हुआ है। ये जो देख रहे हो ये मेरी कंटिविटी पॉइंट और एक ये डायोड का साइन बना हुआ है। इस पर आप डायोड चेक करोगे, बाकी जो भी चीज़ चेक करोगे किसी भी चीज़ में, तो इस कंटिविटी पॉइंट पर रख के चेक करोगे। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये मेरे जो है ये मेरे ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए होते हैं। जो ट्रांजिस्टर की चेकिंग होगी वो यहाँ पे होगी, मेरे ट्रांजिस्टर की चेक। तो मैं आपको धीरे एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि वोल्टेज कैसे चेक होगी। जैसे मुझे वोल्टेज चेक करनी है, डीसी वोल्टेज चेक करनी है, तो मैं डीसी वोल्टेज को वोल्ट पे डालूँगा 20 पे। और इस पे जो है, अब ये मेरी बैटरी है, मैं इस बैटरी की वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ आपको। इस बैटरी के वोल्टेज पे देखो, ये प्लस के साइन पे रखूँगा एक वायर और माइनस पे रखूँगा। ये देखो बैटरी की वोल्टेज आ रही है, बैटरी इस समय पे 3.7 वोल्ट पे चार्ज है मेरी। तो ये डीसी बैटरी है, मोबाइल की ही बैटरी है, डीसी बैटरी। तो ये मैं बैटरी की वोल्टेज चेक करके बताऊँगा, ये 3.7 वोल्टेज आ रही है। ये डीसी वोल्टेज का साइन होता है, ये डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। ये मैंने आपको बताया था ऐसे कि एसी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। तो ये मैंने एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए मैं देखो 750 पे ले आया। अब मैं इसको जो है एसी उसमें दूंगा कि इस पर एसी वोल्टेज आएगी। देखो ये मेरी एसी वोल्टेज 230 एसी वोल्टेज आ रही है। ये मेरी एसी वोल्टेज है, ठीक है। ये मेरी डीसी वोल्टेज है और ये मेरी एसी वोल्टेज है। अब मैंने आपको बताया था इस पर रजिस्टर चेक होती है। ये रजिस्टर चेक करने के लिए मुझे इसको ओम पे डालना पड़ेगा। देखो रजिस्टर जो होती है वो हमारी तीन टाइप की होती है, ओम, किलो ओम और मेगा ओम। तो पहले मुझे 200 से शुरू होना होगा। और ये रजिस्टर चेक करते हैं, जैसे कि हम इस रजिस्टर को हम चेक करते हैं इस तरीके से, ऐसे रखे प्रॉप को रखे। तो ये रजिस्टर आ रही है मेरी समय पर 10 ओम की। तो ये मेरी 10 ओम की रजिस्टर लगी हुई है। और कोई रजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये रजिस्टर चेक करके देखते हैं ये कितने ओम की लगी हुई है। ये देखो ये आके जा रही है। तो इसको थोड़ा सा ना ऊपर करके देखना पड़ेगा, इस समय ये पता चलेगा कि रजिस्टर हमारी किस कौन सी लगी हुई है। अब थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो ये जो लगी हुई है मेरी 220 ओम की रजिस्टर लगी हुई है। ये रजिस्टर मेरी 220 ओम की लगी हुई है और ये 10 ओम की रजिस्टर लगी है। जो रजिस्टर चेक होती है वो मेरी इस पे चेक होती है, ओम्स की रेंज पे। ये देख रहे हो ये ओम हो गया, ये किलो में हो गया और ये मेगा में होता है मेरा, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ होती है ये कंटिविटी पॉइंट होती है। इस कंटिविटी पॉइंट को हम इसको कंटिविटी पॉइंट बोलते हैं। इस पर डायोड भी चेक होता है और ये कंटिविटी का साइन बना हुआ है। इस पर सारा कुछ चेक होता है। तो अब देखो ये डायोड है, जैसे कि ये डायोड है मेरे पास एक, इस डायोड को चेक करते हैं। तो डायोड की एक प्रोब को जो है मैं इस पर रखता हूँ और एक प्रोब को इस पर रखता हूँ। तो वन साइड पर इस पर कंटिविटी नहीं आएगी और एक साइड से इस पर कंटिविटी आएगी, तो डायोड मेरा ठीक होता है। तो इस एक साइड से कंटिविटी नहीं आई और एक साइड से रख के ऐसे चेक करता हूँ तो मीटर पर देखोगे तो कंटिविटी आ रही है। तो ये डायोड सही है मेरा, ये डायोड चेक होता है। अब इसी पे ही मैं एक कैपेसिटर चेक करके बताता हूँ आपको। देखो कैपेसिटर पे क्या होगा, कैपेसिटर पे रीडिंग आकर चली जाएगी। अगर रीडिंग आकर चली गई तो कैपेसिटर मेरा सही है। ये रीडिंग आई और रीडिंग आकर चली गई, ये रीडिंग आई और रीडिंग आकर चली गई, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर मेरा सही है, अभी ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। दूसरा कैपेसिटर चेक करके देखते हैं, ये रीडिंग आके चली जानी चाहिए, रीडिंग आएगी और चली जाएगी, रीडिंग आई और चली गई, तो ये कैपेसिटर मेरा क्या ठीक है। अगर रीडिंग नहीं आ रही तो कैपेसिटर मेरा ख़राब होगा। तो ये कैपेसिटर चेक करना बताया मैंने। अब देखो ये कॉइल है, इस कॉइल को चेक करके दिखाते हैं। कॉइल क्या करती है, कॉइल को चेक करते हैं। देखो ऐसे रखा, इस तरीके से रखा, ये कोई बीप साउंड नहीं आ रही। ये देखो तो ये तो कॉइल ख़राब है, ये कॉइल क्या है, ये कॉइल ख़राब है। कॉइल हमेशा बीप साउंड देती है, तो ये मीटर बीप नहीं दे रहा मेरा, तो कॉइल मेरी क्या है, ख़राब है, ये ख़राब कॉइल है। तो और कोई ये चेक करते हैं। देखो ये भी एक कॉइल ही है, तो ये भी चेक करके देख लेते हैं। ये बीप बोल रही है, तो ये कॉइल ठीक है मेरी। देखो कॉइल का काम, कॉइल बीप बोलती है। तो जो कुछ भी मुझे चेक करना है मीटर में,
किसी भी फील्ड में कोई लाइन चेक करनी है, कोई ट्रेसिंग करनी है, कोई तार चेक करनी है, कोई फ्यूज़ चेक करना है, कुछ भी करना है वो मुझे इस रेंज पे करना है, इसको बोलते हैं हम कनेक्टिविटी पॉइंट। मोबाइल फ़ोन में जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे, जो भी आप मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन में दो चीज़ का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एक होता है ये कनेक्टिविटी पॉइंट का और एक होता है ये डीसी वोल्टेज चेक करने का। तो हम इन दोनों चीज़ का बड़ा यूज़ होगा मोबाइल फ़ोन में, और एक ये रजिस्टर की वैल्यू चेक करने का कि रजिस्टर हमारी कितनी वैल्यू का लगा हुआ है। मोबाइल फ़ोन में ये तीन चीज़ों का काम बहुत यूज होगा, एक तो ये डीसी वोल्टेज और एक ये कनेक्टिविटी पॉइंट और एक ये मेरा ओम्स की वैल्यू को चेक करने का कि ओम की हमारी रजिस्टर की वैल्यू कितने ओम की लगी हुई है। दूसरा, मैंने आपको जो भी ट्रेसिंग होगी फ़ोन में, जो भी आगे के जो भी चैप्टर आएंगे उसके अंदर सब कुछ आएगा, तो इस वजह से उसमें जो भी ट्रेसिंग वगैरह करते हैं, जो भी हम कोई चीज़ चेक करनी है, कोई सर्किट बन रहा है या नहीं बन पा रहा है, वो सब मेरा इस लाइन पे चेक होगा। इससे क्या चेक होता है, इससे मैंने आपको बताया था डीसी एम्पियर चेक होता है। तो डीसी एम्पियर को चेक करने का तरीका, डीसी एम्पियर को जैसे कोई बैटरी से कोई चीज़ चलाई, उस बीच में से एक आप जैसे बैटरी है, इस बैटरी से कोई चीज़ चलाते हो तो बीच में से एक वायर काट के आप लगाओगे तो एम्पियर यहाँ पर शो हो जाएगा, तो यहाँ पर डीसी एम्पियर शो होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको आगे के चैप्टर जो है वो आपको मिलेंगे। पहले ये मल्टीमीटर की क्लास थी, मल्टीमीटर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये डीसी वोल्टेज का साइन है, ये एसी वोल्टेज का साइन है, ये डीसी एम्पियर का साइन है, ये कनेक्टिविटी पॉइंट और ये डायोड है, इस पर चेक होगा, ये ओम्स की रेंज है। आगे आपको धीरे धीरे और चैप्टर मिलते रहेंगे।